उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की इन किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके, यह राज्य सरकार ने विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इसीलिए भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो एक वातावरण दिया उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पे यहां पे निवेश हुआ, 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमें निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने में सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे लेकिन बैंकों से उनको जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाधा थी या बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बैरियर का काम करती थी। उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए 60,00,000 से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज लगभग 1400 ये प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आज नियुक्ति पत्र वितरण के माध्यम से और उनके पदस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह इसी मिशन रोजगार का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज 1,00,000 से अधिक अग्निवीरों का चयन हो रहा है। विभिन्न विभागों में, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भी 1,00,000 से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। देश और प्रदेश के युवाओं के लिए आज अपने ही राज्य में और अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम सब आज मिशन रोजगार के इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी नौ चयनित 1,195 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आपका चयन ऐसे समय में हुआ है जब देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लगभग उभरने की ओर अग्रसर हुई है, लेकिन साथ साथ भारत के अंदर पहली बार एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति
को हम लोगों ने स्वीकार किया है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक किसी छात्र को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसमें नवाचार के लिए, शोध और विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। और इस अवसर पर आपका चयन आपको भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखना, अगर हम समय की गति के अनुरूप नहीं चल पाए तो हम सब पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत को फिर से दुनिया के अंदर जो भारत की पहचान थी, उस पहचान को भारत के अंदर फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। हम उसके साथ भारत को फिर से जोड़ सके, भारत को उसकी पुरातन पहचान दे सके। केवल विश्व गुरु बोलने से हम विश्व गुरु नहीं हो जाते हैं, उसके अनुरूप इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। और यह हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कर सके। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पार्ट रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घटकर के केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, आपने देखा होगा अक्सर होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, उससे उभरने की आवश्यकता है, एक नेशनल कैरेक्टर बनाने की आवश्यकता है। जैसे आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने परिवार के प्रति जवाबदेह बनते हैं, वैसे ही अपने स्कूल के प्रति, अपने कॉलेज के प्रति भी आपको जवाबदेह बनना होगा, अपनी क्लास के प्रति जवाबदेह बनना होगा, स्वयं के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा, उन बच्चों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा जो अभिभावक बड़ी आशा भरी निगाहों से, विश्वास से अपने पालियों को आपके पास पढ़ने के लिए स्कूल में या कॉलेजेस में भेजते हैं, लेकिन जब क्लास नहीं वहां पे हो पाती है या शिक्षक बिना बताए गायब है
या फिर तमाम अन्य प्रकार की अड़चनें सामने आती हैं, उस विश्वास के साथ एक धोखा होता है, चाहे वह छात्र का विश्वास हो, चाहे वह अभिभावक का विश्वास हो, चाहे वह समाज का विश्वास हो या शासन का विश्वास हो। हमें उस विश्वास पर स्वयं को खरा उतरने के लिए तैयार करना होगा, और अगर हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यह बनती है। मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है कि विद्यालय में शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन स्वच्छता के बारे में बार बार कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भी वहां गंदगी देखने को मिलती है। हमारी जिम्मेदारी भी है उस विद्यालय के प्रति, हम अपने घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, स्वयं का कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा पहनते हैं। तो जो विद्यालय हमें पहचान दे रहा है, हमारी आजीविका की व्यवस्था कर रहा है, क्या उसकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं जाता हूं, देखता हूं बहुत बार विद्यालयों में बड़े बड़े पेड़ जमे होते हैं, भवन के ऊपर जमे रहते हैं, उस भवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं पेड़, लेकिन दीवारों में चिपके हुए उन पेड़ों को हटाने की ओर कभी नजरें नहीं जाती हैं लोगों की। अगर हम उसके साथ जोड़ सकें अपने को, उस विद्यालय के प्रति वही भाव हमारे मन में हो जो हमारा अपने घर के प्रति होता है, अपने देवालयों के प्रति होता है, अपने धर्मस्थलों के प्रति होता है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं होती है। व्यावहारिक जीवन में जो हम करते हैं वो अपने आप ही संदेश दे देता है, और वो अपने आप में एक आपका संदेश आपकी पहचान का आधार बन जाता है। दूसरा, डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसके लिए अब एक विस्तृत क्षेत्र अब बन चुका है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आसान इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। आपने एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपने नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन चुनौतियां इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना है। इसके लिए विभाग के स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर कोई मैकेनिज्म हो या ना हो, लेकिन आपको अपने आप को तो साबित करना ही होगा कि सबसे पहले उस विद्यालय से जुड़े हुए उस हर एक छात्र के बारे में, जिन छात्रों के प्रति आपका दायित्व है, वे अच्छे अंक प्राप्त कर सके, वहां पे एक शैक्षणिक माहौल पैदा हो सके, इसको बनाने में योगदान देना। दूसरा, आप अपने स्तर पर ऐसा कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर न केवल शैक्षिक गुणवत्ता के लिए बल्कि हम नवाचार, शोध और विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ सकें, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सके, हमारा संस्थान कैसे तैयार हो सके, ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेगी। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर हम अपने साथ जोड़ करके अपने आप को अपडेट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपकी एक अलग छवि बनेगी। सम्मान के प्रतीक के रूप में लोग आपको देखेंगे, आपके सामने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर होते हैं। हमें केवल इसके पीछे नहीं भागना है कि हम लेक्चरर बन गए या सहायक अध्यापक हो गए तो सहायक अध्यापक बनने के बाद अब हम लोग इसके बाद फिर लोगों के पीछे जाकर के फिर प्रयास करें कि अब हम लोग मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए आगे अपने लिए एक लाइन लगाना शुरू कर दें, या फिर हम लोग कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लाइन लगा लें। आपकी कार्य पद्धति आपको सम्मानित भी करती है, आपको पुरस्कृत भी करती है। और अगर
दर्द से तुम ना